हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपने सेमेस्टर संख्या का फिफ्थ टॉपिक है, जो क्लास का फिफ्थ चैप्टर है। क्या है सेमेस्टर संख्या? यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। सेमेस्टर संख्याएं कौन सी होती है? सेमेस्टर संख्या आपने पहले वास्तविक संख्या पढ़ी है, वास्तविक संख्या पढ़ी, शायद आपने काल्पनिक संख्याएं भी सुनी होगी। वास्तविक संख्या तो आपने जो अब तक नंबर देखे थे, जितने भी आपने संख्याएं देखी वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर तो आपने जो देखे वो थे, इमेजिनरी नंबर सिर्फ वो है जो आप रूट के अंदर माइनस का वन देखते हैं। यानी आपके पास अगर वर्गमूल के अंदर माइनस का वन आ जाता है, यानी नेगेटिव साइन आ जाता है, इसका मतलब वो एक काल्पनिक संख्या है। और जो सेमेस्टर संख्या हमारी होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो वास्तविक और काल्पनिक का संयोजन होगा। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या है वो हमारे 2, 3 या 1/2 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन काल्पनिक संख्या सिर्फ कौन सी है? जो रूट के अंदर -1 आएगा। अब आपकी बात ये क्या है, काल्पनिक संख्या को दर्शाने का एक सिंबल है। जैसे आपके पास अगर कहीं √-1 लिखा है, इसका मतलब वो आई से दर्शाया जाएगा, इस तरह का आई, जिसे हम बोलते हैं यहां पर आयोटा। क्या बोलेंगे? आयोटा। अगर रूट के अंदर -1 है उसे हम आई से दर्शाएंगे और आई को हम यहां पर आयोटा रीड करेंगे। ठीक है, सेमेस्टर संख्याएं इन्हीं वास्तविक और काल्पनिक संख्या का संयोजन होगा। सेमेस्टर संख्या को हमने बेसिकली जेड से दर्शाया, ठीक है, जेड के बराबर होगा ए प्लस आयता बी। जहां पर आपके पास ये एक ए और बी, ए व बी एक वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन इस आयता के होने के कारण ये एक काल्पनिक भाग है। देखो मैंने दोनों चीजों में फर्क किया है। यहां मैं क्या कह रहा हूं, ए व बी एक वास्तविक संख्या है और आयता बी एक काल्पनिक पार्ट है। ठीक है, ये एक काल्पनिक संख्या हो जाएगी, जैसे काल्पनिक संख्या है। ठीक है, एक आपकी वास्तविक संख्या है, ये आपकी काल्पनिक संख्या है, इन दोनों का संयोजन चाहे प्लस से हुआ चाहे माइनस से हुआ, सिर्फ ये दो साइन समझना चाहिए, गुणा से भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या कहेंगे, सेमेस्टर संख्या कहेंगे जिसे हमने ए प्लस आयटा बी से दर्शाते हैं, जिसमें हमारा ए क्या होता है, वास्तविक भाग, जेड का, ये आपको यहां पर देगा जेड का वास्तविक भाग क्या है, ए है, काल्पनिक भाग जेड का बी है। ठीक है, जिसे हम कैसे लिखेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी पार्ट आई एम जी, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू बी। ये वास्तविक संख्या थी, ये काल्पनिक संख्या थी, दोनों का संयोजन आपके पास सेमेस्टर संख्या हो गया, जिसके अंदर आपके पास जेड है, जो ये जेड है इसका वास्तविक भाग ए है और काल्पनिक भाग बी है। ठीक है, ये आपके पास जो आपने आयता में पढ़ा है, हमने वो क्या है, रूट माइनस का वन है। अब आप ये समझें कि अगर आपको, मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं, जेड बराबर 2+3 आयता है, इसका मतलब ये एक सेमेस्टर संख्या है। जहां पर आपके पास आयता आ गया, इसका मतलब वो क्या है, एक सेमेस्टर संख्या है। इसे आप जेड वन कह रहे हैं, Z2 is 3+2 आयता, ये आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हो, यानी 2+3 आयता प्लस 3+2 आयता, ये इन दोनों के गुणा में है। ठीक है, तो यानी आपके पास वास्तविक संख्या वास्तविक से जुड़ेगी 3 और 2 5 और काल्पनिक काल्पनिक से, तो 5 आयता, 5+5
आयोटा, इस तरह से आप उनको जोड़ेंगे। अगर घटाएंगे भी तो वास्तविक वास्तविक में से घटेंगे और काल्पनिक काल्पनिक से ही माइनस होगी। ठीक है, अभी अगर आपके पास लिखा होगा इनमें रूट का माइनस फोर, इसका मतलब आप इसे क्या लिखेंगे, रूट माइनस वन गुणा में दो सॉरी चार, रूट माइनस वन अलग हो जाएगा, रूट चार अलग हो जाएगा, रूट माइनस वन हम लिखेंगे आयटा, रूट दो चार को लिखेंगे हम दो आयटा, यानी दो आयटा का मतलब ये भी है रूट माइनस का फोर, यानी इसे क्या कर सकते हैं दो आयटा कर सकते हैं। आपको यहां पर एक गलती बिल्कुल ना करें स्टूडेंट्स, माइनस के चार या माइनस के दो और माइनस के तीन का गुणा हम माइनस के प्लस के छह से बन लेते हैं तो ये कदई गलत हो, ऐसा नहीं। ठीक है, अब ये कैसे मैं बताता हूं, रूट माइनस वन इज इक्वल टू आयटा है, अगर आप दोनों तरफ पक्षों में क्या करते हो बोथ साइड स्क्वायर करते हो तो माइनस वन इज इक्वल टू आयटा स्क्वायर है, यानी अगर आयटा को आप स्क्वायर रूट माइनस वन लिखते हैं तो आयटा स्क्वायर को हम माइनस वन कहेंगे, और अगर हम आयटा क्यूब कर देते हैं तो उसे हम लिखेंगे माइनस का आयटा, और अगर आयटा की पावर चार कर देते हैं तो उसे लिखेंगे हम एक, अगर आयटा है तो उसे लिखेंगे माइनस एक, आयटा का स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा माइनस का वन, और अगर आयटा क्यूब किया तो वो क्या आएगा माइनस आयटा, और आई की पावर अगर फोर कर दिया तो क्या आएगा वन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम देखेंगे यहां पर इसको हम कैसे लिखेंगे, पहले इसमें से माइनस बाहर निकालेंगे, इसे हम लिखेंगे रूट दो आयटा, इसे हम लिखेंगे रूट तीन आयटा, यानी अब आप इन दोनों का गुणा करके इसे लिख सकते हैं छह आयटा स्क्वायर, और आयटा स्क्वायर को हम लिखेंगे माइनस का वन, और माइनस का वन का अगर गुणा होगा तो क्या बन जाएगा ये माइनस रूट सिक्स, यानी अगर आप इन दोनों को एक साथ गुणा नहीं कर सकते, अगर आप ये सोच रहे हैं कि माइनस दो गुणा माइनस तीन लिखते हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये गलत है, ऐसा नहीं होगा, आपको उन्हें इस तरह से अलग अलग करके फिर आयटा स्क्वायर बनेगा, वो माइनस क्या होगा बाहर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके भी आपने चार से याद रहे क्या, पहला कि सम्मिश्र संख्या काल्पनिक संख्या, सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर बनता कैसे है, रियल और इमेजिनरी नंबर के संयोजन से बनेगा, जिसमें आपके पास काल्पनिक संख्या कौन सी होती है, वास्तविक तो सभी थी जो आपने आज तक पढ़ी, काल्पनिक कौन सी है जो रूट के अंदर माइनस की वैल्यू होगी, तो वो एक काल्पनिक संख्या रहेगी जिसे हम आयोटा से एक सिंबल दिया हमने दर्शाने का, उसमें अगर हमारे पास रूट माइनस का फोर होता है उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, फोर को अलग कर लेंगे माइनस को अलग कर लेंगे, ये हमें टू आयोटा, ये आयोटा होता है ये फोर का स्क्वायर रूट टू होता है। ठीक है, और इन दोनों का गुणा कभी भी हम रूट सिक्स नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे माइनस का रूट सिक्स, यानी हम उनमें से आई का क्या करेंगे अलग अलग करेंगे, अगर हम आई का स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस का वन आएगा, अगर आई का क्यूब करते हैं तो कितना आ जाएगा माइनस आई, पर आई की पावर अगर फोर लगाएंगे तो क्या आएगा वन आ जाएगा, और आपने क्या सीखा इसमें कि अगर आप इसमें जोड़ते हैं घटाते हैं तो आप वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या घटाएंगे, काल्पनिक से काल्पनिक को यहां पर घटाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अगर आपको किसी वास्तविक संख्या का कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना है मापांक, यहां पर एक मापांक लगेगा यानी जेड का मापांक निकालना है, तो मापांक क्या होगा हमारे पास रियल पार्ट का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, आयटा के साथ मिलेंगे सिर्फ बी का स्क्वायर, ये उस नंबर का आपके पास है मापांक निकल जाएगा। एक आता है यहां पर संयुग्मी, संयुग्मी यानी कंजुगेट, संयुग्मी क्या होगा सिर्फ सिंपल सा काम है आपने जेड के ऊपर बार लगाना, यानी इन दोनों पे बार लगाना, इस पे बार और इस पे बार, ये संयुग्मी क्या करेगा आयटा के सिर्फ साइन को बदलेगा, अगर आयटा सिर्फ आयटा का साइन बदलेगा, चाहे आयटा कहीं भी है उसका ये साइन बदल देगा, ए की पावर ए माइनस आयटा बी कर देगा, ये इसका संयुग्मी है। अगर हमने इसी संयुग्मी का एक बार और संयुग्मी कर दिया तो ये फिर से साइन बदल देगा आयटा का, जो किसके बराबर है जेड के, यानी अगर हम किसी सम्मिश्र संख्या का दो बार संयुग्मी कर देते हैं तो वापस में वही सम्मिश्र संख्या जेड आ जाएगी। ठीक है, संयुग्मी क्या है सिर्फ उसके ऊपर बार लगाना, और वो बार क्या करेगी माइनस का साइन बदल देगी, ये बार आपकी है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे अगर आपके पास टू प्लस थ्री आएगा गुणा में लिखा है थ्री माइनस थ्री आएगा तो
तो ये बार अगर दोनों पे है, दोनों पे लगाई जाएगी, क्या होगी, गुणा में है, यानी ये z1 है और ये z2, दोनों पे बार लगा रहे हैं तो ये बार दोनों पे अलग अलग हो जाएगी गुणा में, ठीक है। अगर ये अलग होगा इसमें क्या लगेगा, 2 माइनस 3 आएगा और ये क्या रहेगा, 3 प्लस 3 रहेगा, ठीक है। अगर ये बार में भी है, बार इस पूरे के ऊपर है, तो ये बार फिर भी अलग हो जाएगी, z1 के ऊपर अलग बार और z2 के ऊपर अलग बार हो जाएगी। और इस बार का मतलब क्या है, कंजुगेट यानी सेमी, जो क्या करेगा, आयता का सिर्फ और सिर्फ साइन परिवर्तित करेगा। और अगर आपको z का समिश्र संख्या का मापांक निकालना है तो वो क्या आ जाएगा, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके पास कुछ थोड़ा इधर भी जानते हो कि a प्लस आइटा भी तो आपने देखा कि समिश्र संख्या, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ लिखा हो कि z बराबर 2, z बराबर 2 दिया है, इसे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखें तो आप सिर्फ क्या करेंगे, इसके साथ 0, आपको आयता लाना है और 0 को आयता से गुणा करेंगे 0, तो 2 प्लस 0 आयता, यानी अगर आप इसको समिश्र संख्या में लिखना चाहते हैं तो आपको ये लगाना होगा, ये समिश्र संख्या का रूप है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। अगर आपके पास लिखा सिर्फ आयता तो यहां आप 0 लगा सकते हैं, पहले 0 प्लस आयता, तो ये भी क्या हो गई, समिश्र संख्या बन चुकी है, जिसमें आपके पास वास्तविक संख्या जो रियल पार्ट ऑफ जेड है वो क्या है, 0 है, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या है, 1 है। ये इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयता का गुणांक होगा ना, वो आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा, क्या होगा, जो 1 होगा। अगर आपको इसका मापांक निकालना है, यानी जेड का मापांक निकालना है, तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस आयता के गुणांक का इमेजिनरी पार्ट का हम स्क्वायर कर रहे हैं, 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, रूट स्क्वायर रूट 4 आ गया, तो फिर से क्या आएगा, 2 ही आएगा, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। लेकिन अगर इसका निकालते हैं तो इसका क्या है, जेड मापांक रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, यानी 1 एक्स आयता का जो गुणांक है उसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। अगर कहीं आपके पास पूछा होता है 2 प्लस 3 आयता, तो इसका अगर आपको मापांक निकालना है, मापांक क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये a और ये b गुणांक का ही गुणांक, ये कितना आ जाएगा, 4 और ये आ जाएगा 9, जो कितना हो गया, रूट 13 आ जाएगा। अगर आप इसको सेम भी निकालना है, यानी बाहर निकालना, तो कितना आएगा, 2 माइनस 3 आयता। तो ये आपके पास इतना इसके अंदर कॉन्सेप्ट है जो आपको लग रखना है। बार भी याद रखें कि बार आपकी क्या सकती है, अलग अलग हो सकती है, गुणा में, प्लस में, माइनस में या बार में, इन चारों तरीकों में बार क्या हो सकती है, आपकी अलग अलग हो जाएगी। मापांक अलग अलग नहीं होता है, ठीक है, उसको भी अलग तरीका होता है उसका अलग करने का, लेकिन आप डायरेक्ट अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए आपके इतना बहुत है।